मथुरा के थाना रिफाइनरी पुलिस और एसओजी संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में साथी लुटेरा रफीक उर्फ राहुल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि रफीक उर्फ राहुल साथी लुटेरा है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटे गए 5,000 मंगलसूत्र व अन्य सामान बरामद किया है। थाना रिफाइनरी पुलिस और एसओजी संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाश पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि रिफाइनरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की मुठभेड़ में शामिल लुटेरे रफीक को गिरफ्तार किया गया है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से मनोज सिरोही की खास। थाना रिफाइनरी में पूर्व में एक चैन स्नेचिंग की घटना के खुलासे के लिए एसओजी की टीम और रिफाइनरी पुलिस की टीम लगी हुई थी। इस सूचना पर कि उस घटना में शामिल एक अभियुक्त पुनः इधर मूवमेंट कर रहा है, इस सूचना को वेरीफाई करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा उसकी जब घेराबंदी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान रफीक उर्फ राहुल थाना क्षेत्र अशनेरा जनपद आगरा के रूप में हुई। अभी तक इस पर 17 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। रफीक के पास से रिफाइनरी में चैन स्नेचिंग की घटना में गया मंगलसूत्र और उसके पास से अवैध शस्त्र एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस इसके और तह तक जाने का प्रयास कर रही है। रफीक उर्फ राहुल को जेल भेजा जा रहा है।